वहीं नफे सिंह राठी की हत्या की जांच अब सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। इसी के साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नफे राठी की हत्या पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो सीबीआई इंक्वायरी करवाऊंगा। के बेटे वैभव गहलोत ने आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले हफ्ते ही राजस्थान खेल परिषद ने आरसीए के साथ करार खत्म होने का हवाला देकर उसके दफ्तर और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ताला जड़ दिया था। ये विवाद ऐसे वक्त में हुआ जब अगले महीने इस स्टेडियम में आईपीएल के मैच होने हैं। खेल के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर दुर्भाग्य है कि खेल के अंदर राजनीति की गई। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर फिर एक बार प्रदर्शन किया। इसकी एक तस्वीर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई। वहां भारतीय किसान यूनियन के बुलावे पर सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए और उन ट्रैक्टरों के काफिले ने बाकी लोगों का सड़क से निकलना मुश्किल कर दिया, क्योंकि नोएडा की उस सड़क पर जितनी दूर तक निगाहें गईं ट्रैक्टरों की कतार लगी नजर आई। एक बड़ा झुंड यहां पर पीछे तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। लगातार जो ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टरों में किसान यहां पर आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और उनमें बैठे हजारों किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। जैसे ही पुलिस वालों ने उन्हें आगे जाने से रोका, कुछ ट्रैक्टर वालों ने अपने ट्रैक्टरों को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया। इससे हुआ ये कि वो पूरा रास्ता जाम हो गया, क्योंकि सड़क के बीचों बीच खड़े उन ट्रैक्टरों की वजह से किसी और गाड़ी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और फिर देखते ही देखते कई और ट्रैक्टर भी सड़क पर इसी तरह खड़े कर दिए गए और इससे वो पूरा रास्ता जाम हो गया। एमएसपी की मांग कर रहे किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की चेतावनी भी दी। हालांकि पुलिस ने उन ट्रैक्टरों को सड़क के किनारे खाली जगह पर खड़ा करवाने की कोशिश की, लेकिन इससे भड़के कुछ प्रदर्शनकारी किसान वहीं धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने दावा किया कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। दिल्ली किसान पहुंच गया है, दिल्ली के नजदीक किसान है, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। इस दौरान उन प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़क पर ही डेरा जमा लिया। झुंड के झुंड सड़कों पर इस तरह जम गए जैसे वो मैदान में बैठे हों। इस दौरान कुछ किसान तो अपने साथ बैलगाड़ियां तक ले आए और जब उनसे वहां से हटने की अपील की गई तो कुछ किसानों की पुलिस वालों से बहस भी हो गई। भारतीय किसान यूनियन के बुलावे पर जुटे किसानों के इस प्रदर्शन से नोएडा के कई हिस्से जाम हो गए। सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग गईं, क्योंकि किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को बीच सड़क पर इस तरह खड़ा किया कि आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्हें दिल्ली नोएडा बॉर्डर के पास मौजूद महामाया फ्लाईओवर के पास ही रोक दिया गया। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में अचानक पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहाड़ खिसकने से पुलिस और वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इस घटना से पहले ही वहां की सड़क को बंद कर दिया गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पहाड़ का इतना बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर आ जाएगा। विपक्षी गठबंधन में शामिल सीपीआई ने केरल में कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे दी। पार्टी ने केरल में उन दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां से कांग्रेस के मौजूदा दो सांसद हैं। सीपीआई ने केरल की वायनाड सीट से डी राजा की पत्नी एनी राजा को उतार दिया, जबकि राहुल गांधी इस सीट से लोकसभा सांसद हैं। उनको हक है, वो जिसको चाहे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इसी तरह सीपीआई ने केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से पनियन रविंद्रन को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर यहां से सांसद हैं। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में तेंदुए ने कई घंटों तक जमकर उत्पात मचाया। वहां गांव में घुसे उस तेंदुए ने अचानक कुछ लोगों पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, क्योंकि वो तेंदुआ उन पर ऐसे झपटा जैसे उनकी जान ही ले लेगा। वीडियो में तेंदुए को देखते ही कुछ लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़क पर भागते दिखाई दिए, लेकिन उस तेंदुए ने झपट्टा मारकर 3 लोगों को जमीन पर गिरा दिया।
तेंदुए के हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जिसे जिधर जगह मिली वो जान बचाने के लिए उधर भागा। जमीन पर गिरे तीन लोगों में दो तो किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भाग निकले, लेकिन एक आदमी को तेंदुए ने वहीं पर दबोच दिया। हालांकि लोगों के शोर की वजह से घबराया हुआ तेंदुआ उस आदमी को छोड़कर भाग निकला। इसके थोड़ी देर बाद वो एक मकान के आंगन में दिखाई दिया। छत पर मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे से तेंदुए का वीडियो बनाया, जिसमें वो तेंदुआ वहां लगाए गए फूलों और झाड़ियों में जाकर छिपता दिखाई दिया। तेंदुए के हमले के बाद लोग बुरी तरह डर गए। बाद में वन विभाग की टीम ने उस तेंदुए को पकड़ लिया। उधर मराठा आरक्षण बिल पास होने के बावजूद महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मराठा समुदाय से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठा समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण देने वाले बिल को पास किया था, लेकिन विधानसभा से बिल पास होने के बाद भी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आंदोलन की आग फिर से भड़क गई। जालना में मराठा समुदाय के लोगों ने एक सरकारी बस में पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। जालना की आंबत तहसील में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मराठा समुदाय के लोगों ने इस सरकारी बस में आग लगा दी। थोड़ी देर में वो बस आग का गोला बन गई। मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने जिस जगह बस में आग लगाई वहां पर एक भगवा झंडा भी लगा दिया। प्रशासन ने इस घटना के बाद बस सेवा को अगले आदेश तक बंद कर दिया। नासिक में भी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी ट्रकों और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच आज होगा राज्यसभा के लिए मतदान। आज सुबह 8 बजे समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक, कल हुई बैठक में नहीं पहुंचे थे एसपी के 8 विधायक। सीएम योगी ने कल एनडीए के विधायकों को दी डिनर पार्टी। आज से 2 दिनों के दक्षिण दौरे पर पीएम मोदी, केरल में 1800 करोड़ के स्पेस प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे पीएम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को भी देंगे विकास की सौगात। पश्चिम बंगाल रामनवमी हिंसा मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, जांच एजेंसी ने सांप्रदायिक हमले की साजिश में शामिल होने के आरोप में 16 लोगों को किया गिरफ्तार। सीबीआई करेगी नफे सिंह हत्याकांड की जांच, तिहाड़ समेत देश की कई जेलों में बंद गैंगस्टरों से पूछताछ करेगी हरियाणा पुलिस, सीसीटीवी फुटेज में दिखे हमलावर। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर गुजरात की होटल इंडस्ट्रीज में उत्साह, 1 से 3 मार्च तक जामनगर में होने वाले कार्यक्रम में देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे। मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों की वजह से कई घंटों तक पुणे इंदौर हाईवे पर जाम लग गया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग पर राज्य में हंगामा और प्रदर्शन करने वालों पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के बीड जिले में मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ 2 मामले दर्ज कर लिए गए, क्योंकि आरोप लगा कि मनोज जरांगे पाटिल ने आम लोगों को चक्का जाम करने और उपद्रव करने के लिए उकसाया था। रास्ता रोको करने हा एक गुन्हा आहे, सामान्य जनतेला याचा त्रास होतो। यानी मराठा आरक्षण के आंदोलन की अगुवाई करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई। बीजेपी ने मनोज जरांगे पाटिल को संभल कर बयानबाजी करने की नसीहत दे दी। इसके आगे अगर वो एक भी बात गलत कहेंगे तो उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें जहर देकर मरवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करने की अपील कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि मनोज जरांगे पाटिल और उनके आंदोलन के पीछे शरद पवार हैं और मनोज जरांगे पाटिल उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं।